सुबह के 4 बजने जा रहे हैं और देख सकते हैं यहाँ पर एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला। 7 और 8 के चौक पर तस्वीरें आपके सामने हैं। ये जो गाड़ी है पंजाब पुलिस में तैनात एक मुलाजिम की है, जो बल्टाना अपने घर जा रहा था, लेकिन रास्ते में अचानक ये दर्दनाक हादसा हो गया। जब हमने उनसे ऑफ द कैमरा बात की तो उनका कहना था कि वो बल्टाना जा रहे थे कि अचानक आंखों के सामने अंधेरा छा गया और गाड़ी चौक से जा टकराई। फिलहाल गाड़ी में उनके साथ उनके परिवार के लोग थे, जिनमें 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिनका इलाज चंडीगढ़ के सेक्टर 16 हॉस्पिटल में करवाया जा रहा है। नरेश कुमार पंजाब पुलिस हेडक्वार्टर में तैनात है और एक राजनाथ नेता की सुरक्षा में भी इनकी ड्यूटी लगी हुई है। फिलहाल ये अपने पारिवारिक किसी निजी काम से पंजाब गए हुए थे, जिसके बाद ये चंडीगढ़ से, जैसे हमने पहले बताया, चंडीगढ़ से होते हुए बल्टाना जाना था तो अचानक गाड़ी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और गाड़ी जाकर चौक से जा टकराई, जिसके बाद की तस्वीरें आपके सामने हैं। फिलहाल पंजाब चंडीगढ़ पुलिस के PCR द्वारा उन्हें जख्मी हालत में हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है और उनका इलाज करवाया जा रहा है। जानने कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा मामला संज्ञान में क्या आया। भाई साहब क्या नाम आपका? सुखदेव जी, पूरा मामला आपके संज्ञान में क्या आया है, क्या अभी नोटिस में आया? आपके पता चला अभी एक्सीडेंट हो गया जी, एक ही चौक पर एक्सीडेंट हो गया। इंजर्ड पर्सन जो PCR दी गड्डी इलाज दे ली GS16 लगी तो पता चले, जाके देख दो पेशेंट का क्या हाल। जैसे पता चला भी कि कोई पंजाब के किसी राजनेता के साथ चलते हैं स्क्वाड में, ये जो मुलाजिम पंजाब पुलिस में तैनात है, पंजाब पुलिस का पता लग रहा है, पंजाब पुलिस का मुलाजिम पता चलेगा, जाके पता लगेगा। कुछ पता रहा है कहाँ से आ रहे थे, उन्होंने कहाँ जा रहा था पता नहीं लगेगा। तो फिलहाल चंडीगढ़ पुलिस के जो अधिकारी हैं मौके पर पहुंच चुके हैं, जांच करते दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने TV स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहां पर चौक पर जा टकराई गाड़ी, एक महिला और जो पंजाब पुलिस में तैनात है मुलाजम, उसके गंभीर चोटें हैं।